आज आप हिंदुस्तान के महानतम संतों में से एक जलाराम बाबा की कहानी सुनने जा रहे हैं। वाह वाह वाह। अपना एक गुजराती भाई रघुवंशी ब्रिटिशर के यहाँ काम करता था यूके में। अच्छा। वो ब्रिटिशर का इतना बड़ा काम था कि उसके यहाँ 500 लोग काम करते थे। ओ, ओ, ओ। एक वो जब भी जला, वो जो अपना गुजराती भाई था, वो रोज जलाराम बाबा को जब अगरबत्ती लगाता तो वो पास में से गुजरता था ना, वो हंसता था। अच्छा। और वो जब उसको पूछा गया, वो बोलता था आई डोंट बिलीव इन गॉड। एक बार उसका 500 करोड़ का शिपमेंट रुक गया। उसके यहाँ 500 लोग काम करते थे तो उसको लगा कि भी इन सब की छुट्टी होने वाली है। और वो रिसेशन का टाइम था, भयंकर मंदी। वो एक दिन बोला, यार तुम्हारे गॉड हम ठीक कर सकते हैं क्या? बोले साहब ऐसा है कि मेरा तो मानना है कि आप इनके सामने प्रेयर कीजिए, मान्यता रखिए कि मैं वीरपुर आऊंगा तो आपका काम हो जाएगा। तो बोला ठीक है। सामने फोटो रखा, इसने अगरबत्ती की और जैसे ही उनके मान्यता रखी कि मैं वीरपुर आऊंगा। समय गया, आप देखे, खुशी की बात है कि महीने दो महीने में अगले का सब काम चल निकला। वाँ, 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 और काम ऐसा निकला उसका, अगले का काम ऐसा निकला कि अभी उसके पास टाइम नहीं। अच्छा। वो बोला मेरे को वीरपुर जाना है और मेरा बिजनेस ऐसा चल रहा है, मैं करूँ क्या? करूँ क्या? देखिए परमात्मा क्या खेल कराता है। उसकी 20 साल की लड़की बोली मेरे को एशिया जाना है। अच्छा। तो उसने बोला पहली शर्त यह है कि तो हमको जो तकलीफ में से निकाले जलाराम बाका, उनका दर्शन आपको करना पड़ेगा। करना है वीरपुर। बोले कोई बात नहीं। वो आई, आप सोचिए, वो वहां से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे आई, बॉम्बे से राजकोट गई, राजकोट से उसने रात को शाम को वेरावल की बस पकड़ी। अच्छा। उसको इतनी जानकारी नहीं थी तो वीरपुर नहीं रख के वो वेरावल चली गई। फिर भाई वहां से पूछा तो बोले रात के टाइम में, बोले ये आपको वीरपुर वापिस जाना पड़ता है, भगवान कई बार बुलाता है। तो वो जब रात को आई तो कम से कम 2 बज गया था वीरपुर में। अच्छा। और वीरपुर की क्या हालत है कि वहां पे बस स्टैंड गांव से बाहर है और भगवान का मंदिर सेंटर में है। बराबर है। तो रात को जब वो उतरी ना, एक रिक्शा वाला दारू पिए वो बैठा था। अब उसके मन में सब खोटे विचार आने लग गए कि ये पैसे वाली लड़की है, खूबसूरत है। इसने बोला आई वॉन्ट टू गो टू जलाराम टेम्पल, वो बिठा दिया उसने और उल्टे रस्ते लेके जाने लगा। इतने में एक बुजुर्ग आदमी आए और उस लड़की का हाथ पकड़ा, पगड़ी पहने हुए थे, माला पहने रहे थे और सीताराम सीताराम बोल रहे थे। और जैसे हाथ लिया और नीचे उतारा, पर कई बार देखिए लैंग्वेज है ना, ये जो साइन लैंग्वेज है ना, लेडीज जल्दी समझ जाती है। वो समझ गई कि मैं गलत जगह आदमी खड़ा हूँ। वो तुरंत वहां से उतर गई और वो बुजुर्ग आदमी उनको 15 मिनट पैदल चलाते चलाते वहां पे लेके गए। वो टेम्पल पे जैसे लेके गए ना, और बोला कि अभी ये खुलवा दो, खुलाया। वो अंदर लोग ट्रस्टी वगैरह बहुत प्रॉम्प्ट है, वो तुरंत उनको अंदर लिया, सोने पीने की खाने पीने की व्यवस्था कर दी, सब होगी। अभी आप कहानी में ट्विस्ट समझिए। सुबह उठी वो और उसको लगा कि मुझे आज वो जैसी वहां श्री भगवान वहां जलाराम बापा के यहाँ कुछ नहीं चढ़ता है, खाली श्रीफल चढ़ता है। वो जैसे ही श्रीफल लेके वहां पहुंची, उसने एक बहुत बड़ा फोटो देखा। तो उसने बोला आई वॉन्ट टू मीट दिस पर्सन, दिस जेंटलमैन। बोला ये तो देवलोक हुए कई साल हो गए। तो बोले क्या बात करते हो, कल रात को मेरे को मिले, कल रात को मेरे को इधर लेके आए वो जलाराम बापा। बोले ये जलाराम, वो विचार नहीं किया और उसे, यानी वो जो आज वहाँ फोटो है ना, वो फोटो भी दादा बापा को फोटो पसंद नहीं था। एक रॉबर्ट करके एक बहुत बड़ा ऑफिसर हुआ 100-150 साल पहले, उसने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आने वाले जनरेशन से ऐसे मान संत हुए, सर मुझे फोटो खींचने दीजिए। वो एक सिंगल फोटो है और जिसमें फ्लैश लाइट पड़ती है तो उनकी आंख थोड़ी तिरछी रहती है, आप सुनिए, बाकी जितने भी स्केचेस है ऐसे जलाराम बापा थे। जलाराम बापा का मैं आपको एक और बात बताता हूँ, 3 अरब के नौजवान, अच्छा, उनके यहाँ सिर्फ एक ही है, अन्न का भंडार है, यानी सब जगह भंडारा चलता है। तो 3 अरब के नौजवान वहां आए, वो वहां खाना खाने बैठे और वो वहां का सात्विक सब देखे ना, उनको थोड़ी शर्मिंदगी ये हुई कि उनके अंदर 3 मरे हुए पंछी थे बैग में। अब उनको शर्म आ रही थी, तो जलाराम बापा बोले कोई बात नहीं, आप भंडारा लीजिए। और फिर बोला कि आप तुम्हारा बैग खोलो। बैग खोला तो 3 पंछी उड़ गए। ऐसे थे जलाराम बापा। तो जलाराम बापा की जय। बोलो जलाराम, जय जलाराम, जै जलाराम।